हेलो फ्रेंड्स, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल डार्क मिस्ट्री पे। हमारे इतिहास में इतनी सारी मिस्ट्रियां हैं कि पूछो ही नहीं। तो आज हम लेके आए हैं ऐसी अद्भुत मिस्ट्री, तो आइए सुनते हैं उसके बारे में। अद्भुत रहस्यमय मक्का मदीना का शिवलिंग का पूरा सच। ओम नमः शिवाय। काबा अरब का प्राचीन मंदिर है जो मक्का शहर में है। विक्रम की प्रथम शताब्दी के आरंभ में रोमक इतिहास लेखक रोदसलस लिखता है, यह इस देश में एक ऐसा मंदिर है जो अरबों का अत्यंत पूजनीय है। तो दोस्तों, संपूर्ण विश्व के भारत के लोग ही यह कटु सत्य स्वीकार नहीं कर सकते कि इस्लाम ने हिंदू की स्थापना, माने जाने असंख्य मंदिर तोड़े हैं और उनके स्थान पर उसी मंदिर के अवशेष से मस्जिदों का निर्माण करवाया। इस्लामिक विध्वंसक गतिविधियां इतनी प्रचंडता के साथ जाती थी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय और सोमनाथ मंदिर विध्वंस किए गए। इस्लाम नींव उस आधार पर रची गई कि दूसरों के धर्म का अनादर करो और उनको निस्तम नाबुद और पवित्र स्थलों को खंडित कर वहां मस्जिद निर्माण किए गए। इस काम बाधा डालने वाले जो लोग भी सामने आए, उन लोगों को मौत के घाट उतारा दिया गया, भले ही वो लोग मुस्लिम को परेशान ना करते हो। मोहम्मद शायद और मुसलमानों के हमले के मक्का और मदीना के आसपास का पूरा इतिहास बदल दिया गया। इस्लाम एक तलवार पे बना धर्म था और रहेगा, और इसका अंत भी उसे से ही होगा, किंतु पीएनओ के सिद्ध कर दिया मक्केश्वर शिवलिंग ही है। मुसलमानों ने सबसे बड़े तीर्थ मक्का महेश्वर महादेव का मंदिर था, वहाँ काले पत्थर का विशाल शिवलिंग था जो खंडित अवस्था में अभी भी वहाँ पे ही है। हज के समय संघ के अवसर कहकर मुसलमान उसे ही पूछते हैं और चूमते भी हैं। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का मानना है मक्केश्वर महादेव मंदिर है। मोहम्मद साहब भी शेफ थे, इसलिए वे मक्केश्वर महादेव को मानते थे। एक बार वहाँ लोगों ने बुद्ध की मूर्ति लगा दी, वह उसके बहुत विरोधी थे। अरब में मोहम्मद पैगम्बर से पूर्व शिवलिंग को लात कहा जाता है। मक्का के काबा में जिस काले पत्थर की उपासना की जाती रही है, भविष्य पुराण में उसका उल्लेखन मक्केश्वर के रूप में हुआ है। इस्लाम के प्रसार से पहले इजराइल और अन्य यहूदियों द्वारा इसकी पूजा किए जाने का स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। इराक और सीरिया में सुबी नाम एक जाति थी, यही साइबिन है। इन साइबिन को अरब के लोग बहुदेववादी मानते थे। कहते हैं कि साइबिन अर्थात लूट की कौम। माना जाता है कि भारतीय मूल के लोग बहुत बड़ी संख्या में यमन में आबाद थे। यह आज भी स्वयं और हिंदू नामक किले मौजूद हैं। विद्वानों के अनुसार सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है, वह कभी प्राचीन काल में मुक्तेश्वर नामक एक शिवलिंग था जिसे बाद में मक्केश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा था कि काफिरों का अंदर जाना गैर कानूनी है। कहा जा रहा है कि अब इस वॉर को उतार दिया गया है और लिख दिया है कि नॉन मुस्लिम को अंदर जाना मना है। इसका मतलब ये है कि ईसाई, जैन या बुद्ध धर्मों को भी मानने वाले इसके अंदर नहीं जा सकते। मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद एक ऐसे विध्वंसक हीरो का नेतृत्व करते थे जो धर्म और वासना के पुजारी थे। मोहम्मद ने मदीना से मक्का के शांति प्रिय मूर्ति पूजकों पर हमला किया और जबरदस्त नरसंहार किया। मक्का का मदीना अपने अलग अस्तित्व था, किंतु मोहम्मद साहब के हमले के बाद मक्का मदीना को एक साथ जोड़कर देखा जाने लगा। जबकि मक्का के लोग जो इस शिव के उपासक माने जाते थे, मोहम्मद की टोली ने मक्का में स्थापित कर वहां पे स्थापना की हुई 360 में से 359 मूर्तियां नष्ट कर दी और सिर्फ काला पत्थर सुरक्षित रखा, जिसको आज भी मुसलमानों द्वारा पूजा जाता है। इसके अलावा उज्जा, उलुलुता और मनाता नाम की तीन देवियों के मंदिरों का नष्ट करने का आदेश भी मोहम्मद ने दिया और आज उन मंदिरों का नामो निशान नहीं है। इतिहास में यह किसी हिंदू मंदिर पर सबसे पहला इस्लामिक आतंकवादी हमला था। उस काले पत्थर की तरफ आज भी मुस्लिम श्रद्धालु अपना शीर्ष झुकाते हैं। किसी हिंदू पूजा के दौरान बिना सिला हुआ वस्त्र या धोबी पहनते हैं, उसी तरह हज के दौरान भी बिना सिला हुआ सफेद सूती कपड़ा पहनना ही जाता है।
जिस प्रकार हिंदुओं की मान्यता होती है कि गंगा का पानी शुद्ध होता है, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी अबे जमजम के पानी को पाक मानते हैं। जिस तरह हिंदू गंगा स्नान के बाद इसके पानी को भरकर अपने घर लाते हैं, ठीक उसी प्रकार मुस्लिम भी मक्का के अबे जमजम का पानी भर अपने घर ले जाते हैं। यह भी एक समानता की मुस्लिम पाक मानते हैं इस गंगा को और किसी न किसी रूप से गंगा को पूछते भी है। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार है कि काबा में पवित्र गंगा है जिसका निर्माण महापंडित रावण ने किया था। रावण शिव भक्त था, वह शिव के साथ गंगा और चंद्रमा को महात्मा को समझता था और ये जानता था कि शिव को गंगा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ भी शिव होंगे पवित्र गंगा की अवधारणा निश्चित ही मौजूद होती है। काबा के पास भी एक पवित्र झरना पाया जाता है, इसका पानी भी पवित्र माना जाता है। इस्लामिक काल से पहले भी इसे पवित्र ही माना जाता था। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को एक शिवलिंग प्रदान किया जिसे लंका में स्थापित करने का कहा। और बाद जब रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर जाता है तो रास्ते में कुछ ऐसे हालात बनते हैं कि रावण को शिवलिंग धरती पर रखना पड़ता है। वह दोबारा शिवलिंग को उठाने की कोशिश करता है पर खूब प्रयत्न करने पर भी लिंग उस स्थान पर से हिलता ही नहीं है। वैकंडेश पंडित के अनुसार यह स्थान वर्तमान में सऊदी अरब के मक्का नामक स्थान पर स्थित है। सऊदी अरब के पास ही यम नामक राज्य भी है जहां श्री कृष्ण ने विनाश किया था, जिसका जिक्र श्रीमद् भगवत पुराण में भी आता है। तो दोस्तों, ये था मक्का मदीना का सच। हमारी कहानी आपको अच्छी और सच्ची लगी हो तो नीचे कमेंट देना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।